फ्रेंड, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में टॉपिक होगा हमारा मारुति 800 जो टाइप 2 गाड़ी है, उसमें टाइप 3 का लाइट कैसे इंस्टॉल करते हैं, यानी कि कैसे लगाया जाता है। तो वो लगाने के लिए आपको इसमें क्या क्या बदलाव करना है और इसको कैसे लगाना है, पूरा डिटेल में मैं आपको दिखाऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरा पक्का मालूम हो जाएगा किस प्रकार से इसमें बदलाव करना है, क्या क्या करना है। तो दोस्तों, उसके लिए पहले आपसे मार्केट से दो टाइप 3 की हेडलाइट खरीद के लानी है, और बल्ब तो शायद आपका जो लैंप है वो अगर हेलोजन लैंप होगा, कोई भी हो, चाहे ये जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें 130-90 वाट का है, 190 का भी ले सकते हैं, 130-160 का भी ले सकते हैं, और 130-160 का भी ले सकते हैं। ऐसे अलग 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 इसमें आता है, फ्लिप्स का भी आता है, उषा राम की भी आता है, काफ़ी कंपनी आजकल तो है मार्केट में। तो ये हेलोजन बल्ब अगर इसमें है तो बात अलग है, अलग ज़्यादातर तो गाड़ियों में क्या है कि पुरानी लाइट निकालने के बाद उसमें हेलोजन का फिटिंग तो होता ही है, जनरल ज़्यादातर गाड़ियों में हेलोजन का फिटिंग किया होता है, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा आपको। और इसमें क्या क्या बदलाव करना है, तो ये जो ये आगे की इसकी ग्रिल है, तो ग्रिल को दोनों तरफ से, यहाँ से आपको ये दोनों तरफ से ऐसे सीधा काटना है बिल्कुल। ये लाइट के सेट में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से काटना है। जो इसका जो गुलाई देखो आप, इसे बिल्कुल मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो पहली की लाइट थी ना इसमें और इसमें थोड़ा यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा सा सीधा होता है, यहाँ के से यहाँ आते समय थोड़ा सा एकदम बिल्कुल सीधा होता है। तो मैंने इसको आप देख सकते हैं दोनों तरफ से काट के इसको बिल्कुल फाइल से घिस के और कांच पेपर लगा दिया है, यानी कि ये रेगमाल पेपर जो ग्राइंडर का है मेरे पास पुराना वाला, इससे मैंने इसको घिस के कंप्लीट कर लिया है। बाद में कभी भी अगर ऐसा लगेगा तो इसको हम सिल्वर या तो वो जो कॉपर कलर आता है इसमें कर देंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे आपको देखने में मालूम नहीं होगा कि इसको काटा हुआ है, क्योंकि इसकी साइड में दोनों तरफ हेडलाइट आ जाती है, इसीलिए दिखता नहीं है, क्योंकि ग्रिल को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर आपको ग्रिल बदलनी है तो आप टाइप 3 का ग्रिल भी मिलता है बाजार में, वो ग्रिल भी डाल सकते हैं, मगर ये ग्रिल जो है मेरा ये बिल्कुल कंपनी का है, इसलिए मैंने सोचा कि जब ये कंपनी का है और इसमें इसका जो ये फाइबर है प्लास्टिक वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, इसीलिए मैंने इसको बदला नहीं। और दोस्तों, एक इसमें मैंने छोटा सा जुगाड़ किया है, ये दोनों तरफ के जो यहाँ पे एक पॉइंट आते हैं उभरे हुए प्लास्टिक में यहाँ लगाने के लिए, तो ये दोनों काफ़ी टाइम पहले टूट गए थे, तो जब मैंने खोला है तो दोनों तरफ बोल्ट लगा लिया है और ये इस प्रकार से इसमें फंस जाता है, इस प्रकार से इसमें दोनों तरफ में से फंस जाता है और यहाँ पे दोनों तरफ बोल्ट फिट हो जाता है। तो चलिए बने रहिए, मैं आपको ये पहले ग्रिल फिट करूँगा, ग्रिल के बाद ये हेडलाइट फिट करूँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसको जैसे मैंने आपको बताया इस प्रकार से रख लेना है, और रखने के बाद यहाँ पे ये स्क्रू होता है, इसको आप फिट कर ले। तो चलिए मैं फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रिल के दोनों स्क्रू फंस लेने, अभी एक नहीं, तो ये जो नीचे मैंने लगाया है देख सकते हैं, इसके हिसाब से क्या है कि अभी ये ग्रिल ये तो खुला है बिल्कुल, इसके ऊपर एक डिजाइन लगाया गया है और ये अब हिलेगा नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसमें एकदम बिल्कुल इसके सेफ में समान सेफ हो जाता है। तो ये लाइट तो मैंने ऑलरेडी पहले ही लगा दिया है,
एक लाइट मैंने रखा था आपको दिखाने के लिए, तो चलो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार इसमें बल्ब को रखें, लैंप को, और तो इस प्रकार रख के इसको, ये जो इसका लॉक है, इस लॉक को यहाँ पे इसमें अंदर ऐसे करके ऐसे फंसा लेना है। तो दोस्तों ये हो गया है। अब इसका मैं कैप लगा लूँगा। तो ज़्यादातर कैप में ये दो जो खांचे अंदर के बने हुए हैं, ये खांचे एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा, बाकी ऐसे तो इसमें कुछ है नहीं। बस ये जो एक ध्यान रखना है कि जो उभरा हुआ भाग है इसका, ये यहाँ पे आएगा। तो इसको ऐसे आप लगा लें तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इसके जो ये सब प्लग है, इसको पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम इसको लगाएंगे। तो दोस्तों लाइट लगाने से पहले इसके बाजू में हमें यहाँ बिल्कुल साइड में ये जो बड़ा छेद है इसके बाजू में एक छेद करना है, और एक यहाँ पे जो छेद है इसके साइड में यहाँ पे करना है। यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो थोड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि इसके पीछे बड़ा वाइसर रख देंगे ना तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना होगा तो हो जाएगा। ऐसे छेद इसमें इस प्रकार का यहाँ पर चाहिए, मगर आप दो छेद कर देंगे बाजू बाजू में तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से छेद करने के बाद इसको एक कोई यहाँ से पीछे से मैंने इसको नट बोल्ट किया है, और एक इसमें तो ऑलरेडी जो इसका कंपनी का जो नट बोल्ट था उसमें वो लगा दिया है, और एक ये नीचे आपको बिल्कुल ये जो यहाँ दिख रहा है ये वाला, एक यहाँ वाला, यहाँ पे एक नट बोल्ट होता है यानी कि पेच, एक यहाँ पेच लगा है। तो तीन पेच से इसको मैंने बिल्कुल अटैच किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये मैंने पहले लगा दिया था क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा वीडियो में ना लगे, इसीलिए मैंने इसको पहले ही कंप्लीट कर दिया था। और ग्रिल को कंप्लीट तो कर ही लिया था, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए इसको रखा था। ऐसे ही लाइट मेरी लगी थी, मगर ये जो ग्रिल थी, ग्रिल में कोई मैंने उस टाइम पर बदलाव नहीं किया था, तो अभी वो बदलाव मैंने इसको काट कूट के अभी किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें है, और अभी मैं इसका ये जो प्लग है ये इंस्टॉल करूंगा, आपको दिखाता हूं। तो इसको ये जो थ्री
पॉइंट वाला इसका हेलोजन का जो प्लग है इसको इस प्रकार से इसके अंदर लगा के पुश कर देना है। और एक ये है, इसको भी ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसे, तो मैं आपको बस इसको ऐसे रख के अंदर ऐसे बिल्कुल इसके अंदर ऐसे पुश कर देना है। तो इसके प्रकार से पुश कर देना है। तो दोस्तों इसको दोनों प्लग को हेलोजन के और पार्किंग लैंप का प्लग, ये जो है ये पार्किंग लैंप का प्लग है और ये जो है ये हेलोजन का है, तो दोनों मैंने लगा दिया है। और दोस्तों आप जब भी हेडलाइट इंस्टॉल करें तो आपको यहाँ पे बैटरी पहले हटा लेना है, वो मैंने आपको नहीं बताया था मगर अब बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पहले ये वीडियो में ये दिखाना था इसीलिए मैंने बैटरी का नहीं आपको दिखाया था। तो बैटरी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आपको पहले हटा लेने हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों पॉइंट पहले आपको हटा लेना है और ये दोनों बोल्ट छुड़वा के बैटरी को छुड़वा लेना है। तो बैटरी मेरा यहाँ पड़ा है, अभी मैं बैटरी को लगा दूंगा। तो दोस्तों बैटरी मैंने इसमें रख दिया है, अभी सिर्फ बस ये बोल्ट को फिट करने का बाकी है। तो चलिए मैं इसको फिट कर लेता हूँ। और अभी इसका हम ये थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, तो इसमें मैंने एक ऐसा लोहा का जो गैलोनेज का सीट आता है पतला वाला, इसका ऐसा पैकिंग बनाया है। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, रखने के बाद इसको यहाँ पे लगा देना है और इस पॉइंट को फिट कर लेना है। दोस्तों ये भी मैंने रख दिया है, बस इसको कसने का ही बाकी था। तो दोस्तों हमारा हेडलाइट का काम कंप्लीट हो गया। ऐसे भी मुझे इसमें थोड़ा सा जाली जो थी इसमें मेरे को काट कूट के बदलाव करना था, इसीलिए मैंने हेडलाइट को भी खोला ही था, क्योंकि ये जो है इसको काटा नहीं था, यहाँ से बिल्कुल सीधा था तो इसके मेल नहीं खा रहा था, यहाँ से इसको टच हो रहा था, जो ये बिल्कुल सीधा जो गैप है वो था नहीं, इसीलिए मैंने इसको काट के बिल्कुल सीधा किया है। इसीलिए मेरे को ये जो हेडलाइट है और ग्रिल है ये खोलना ही था। और हेडलाइट में तो इसमें जो रबर का वॉशर जो था, और
वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले जो मैं कोई भी वीडियो दूसरा डालूंगा तो उससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन के जरिए मालूम हो जाएगा कि वीडियो मैंने रखा है, तो इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में दिल से बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।